कथित रूप से लाखों रुपए खर्च कर दिग्रस नगर पालिका ने शहर की दीवारों पर स्वच्छता संदेश की आकर्षक लीपापोती कर स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की खाना पूर्ति तो कर दी, लेकिन शहर भर में सड़कों के किनारों पर लगे कचरे के अंबार स्थानीय स्वच्छता विभाग और कचरे का ठेका चलाने वाली संस्था के गैर जिम्मेदार रवैये की ओर इशारा कर रहा है। पेश है दिग्रस संवाददाता जुबैर खान की ये खास रिपोर्ट। कचरे के ढेर से बजबजाया हुआ यह नजारा शहर के पिछड़े इलाकों में से एक मोती नगर का है। नदी के किनारे पर बसे इस इलाके में रहने वाले लोग हर साल भीषण जल संकट से जूझते रहते हैं। आजकल नदी से सटा हुआ यह इलाका पालिका के डंपिंग यार्ड में तब्दील हो चुका है, जिसकी वजह से यहां के नागरिक त्रस्त है। डिग्रस शहर में डंपिंग ग्राउंड होते हुए भी कचरे का पूरा मोतीनगर के रोड पे यहाँ पे कचरा डाला जा रहा है। इससे पूरे मोतीनगर के लोगों को स्वास्थ्य की बीमारी की तकलीफ चालू है। यहाँ पे टाइफाइड चालू है। खुद मेरे इवन मेरे घर में दो जने टाइफाइड से बीमार हुए हुए, किसी को डेंगू हो रहा, किसी को क्या हो रहा। तो मेरी नगर पालिका प्रशासन से ये गुजारिश है कि भाई ये यहाँ का पूरा कचरा उठाया जाए। और यहाँ पे ये मोतीनगर के रास्ते पे सामने मस्जिद भी है, शमशान भूमि रोड भी है। यहाँ से हजारों नागरिक आना जाना करते हैं। नगर पालिका प्रशासन से मेरी यही विनंती है कि भाई ये कचरे पे ध्यान दिया जाए और ये कचरा यहाँ का डंपिंग ग्राउंड पे डालने के लिए फोर्स किया जाए। नगर पालिका प्रशासन को मेरी ऐसी गुजारिश है। शहर में एक तरफ पालिका प्रशासन ने स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 के तहत शहर की चुनिंदा सड़कों से सटी दीवारों पर स्वच्छता संदेशों को दर्शाती रंग बिरंगी आकर्षक पेंटिंग्स बनाई है, जिसको देखकर लगता है कि पालिका प्रशासन स्वच्छता को लेकर बेहद गंभीर है। लेकिन दूसरी तरफ शहर में गंदगी और कचरे के ढेर को देखकर लगता है कि स्वच्छता अभियान को लेकर पालिका की नीयत भी कचरे और गंदगी से भी बदतर है, क्योंकि पालिका की कृपा से जिस कंपनी को कचरे के प्रबंधन का ठेका दिया गया है, उस अमरावती स्थित क्षितिज नागरी सेवा सहकारी संस्था ने काम शुरू करते ही मनमानी शुरू कर दी है। सूत्रों ने बताया कि इस संस्था का काम देखने वाले सुपरवाइजर काम के नाम पर केवल दिखावा करने में व्यस्त है। कचरा उठाने के लिए 16 में से केवल 6 से 7 वाहन इस्तेमाल में लाए जा रहे हैं। उन्हें न तो सड़कों के किनारों पर कचरे के ढेर नजर आते हैं और न ही इससे उपज रही समस्या उन्हें दिखाई दे रही है। उन्हें कोई चिंता नहीं, उन्हें केवल कचरा ढोने वाले वाहनों को कम कर ईंधन और कर्मचारियों का खर्चा बचाना है। इस सारे क्रियाकलाप को लेकर मुख्याधिकारी ज्ञानेश सोनाव ने और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी को भी शायद इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर परवाह होती तो मोतीनगर, चांदनगर, सुभाष नगर, संभाजीनगर और गौलीपुरा सहित कचरे और गंदगी से जूझ रहे शहर भर के तमाम इलाके आज डंपिंग यार्ड में तब्दील नहीं होते। NBCN न्यूज के लिए दिग्रस से जुबैर खान की रिपोर्ट।